हे एवरीवन, वेलकम टू रिद्धिज व्लॉग। और मैं हूँ रिद्धि कलोटिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हमारा हो रहा है सुबह का नाश्ता तैयार, और नाश्ते में बना रहे हैं हम होममेड उत्तपम। और यह मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है। सुबह सुबह की चाय तो सबको ही पसंद होती है। फ्रेंड से बन रहा है अभी कुक्कू का उत्तपम, नमक का। हम थोड़ी सी ग्रीन चिली मिला के बनाएंगे। ये हमारी सुबह की चाय भी रेडी हो चुकी है बिल्कुल। ये लड़की देखो फ़ोन के लिए कैसे रो रही है। इसको हम टॉयज दिला के लाए थे कल। ये टॉय एक तो इसने ऊपर का, इसको आते ही ये रहता है कि टॉय को किसी तरह तोड़ो फोड़ो। ये देखो इसने पूरा। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हमारी हो रही है सुबह। हम करेंगे नाश्ता, और नाश्ते में बना रहे हैं आज हम उत्तपम। पंचाली पहने हुए हमारे यहाँ इसको पंचाली बोलते हैं। तो ये करवा चौथ पे मैंने पहनी थी, तो ये मैंने अभी भी पहनी हुई है। तो फ्रेंड्स इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है? और फ्रेंड्स कल है अहोई अहोई अष्टमी, जो फास्ट रखते हैं करवा चौथ के बाद अहोई का, तो वो मैं फास्ट रखूँगी। और इसके लिए मैंने एक सूट भी तैयार किया है येलो कलर का। इसमें येलो ही ज़्यादा पहनते हैं, तो येलो सूट मैंने तैयार किया है। उसकी मैंने जो पैंट बनाई है, मतलब शरारा बनाया है उसका मैंने, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और उसकी वीडियो मैंने बना के डाली है, तो वो वीडियो या तो इस वीडियो के पहले मिल जाएगी या बाद में मिलेगी आपको। शायद से पहले वो वीडियो आ जाएगी मेरी पैंट की। तो बताना कि कैसा बना। बहुत सिंपल शरारा बनाया है मैंने। जिन लोगों को मतलब थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो भी उसको बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं कहीं, है ना कुक्कू? और कुक्कू कपड़े ड्रेस चेंज पे चेंज हो रही है। फाइनली ये वाली पहनी है इसने। कुक्कू के पापा कुक्कू को बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। और यहाँ मैं भी तैयार हूँ। हम देख रहे हैं कपिल शर्मा शो और जा रहे हैं कुक्कू के कपड़े लेने दिवाली के लिए। नहीं भाई, दो दिवाली वगैरह के लिए जो भी कपड़े लाएंगे वो लेने जा रहे हैं कुक्कू के लिए मार्केट। और वहाँ से जाएंगे शायद हम बुआ के घर एडी शानू ऋतु के पास। तो यार सबके पास जाएगी। देखो कुक्कू मेरा सूट लेके चल रही है आगे आगे। कुक्कू तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, और मेरे हाथ में अंदर हम बना के ले जा रहे चाय, क्योंकि रास्ते में कुछ खाएंगे इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई है, इसलिए चाय बना के ले जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ के पियेंगे। रख दे सामान, चले बैठो। आराम से नहीं बैठ सकते ना कुक्कू बाबू? नहीं बाबू अभी मास्क नहीं पहना, अभी हम जा नहीं रहे ना कहीं। तो हम यहाँ से ले रहे हैं डोसा और कुकू के लिए जूस। क्या है ये? सांभर वड़ा। इनके लिए आए सांभर वड़ा। तुमने सांभर वड़ा मंगाया था अपने लिए? एक इडली एक वड़ा। अच्छा, इडली कैसे येलो येलो से लग रही है? इसमें डाल रखे ना येलो से, इसलिए लग रही है। आ रहा था डोसा, हो गया तैयार। डोसा भी हो चुका है तैयार। पहले डोसा खाऊंगा। हैं? डोसा मेरे लिए ऑर्डर करा है? ये कह रहे पहले डोसा खाऊंगा। ये देखो, ये मेरा डोसा खाने के लिए बोल रहे हैं। बदले में मैं अपनी इडली खिला रहा हूँ। खिला रहा हूँ इडली, खिला दे रहा। बदले में इनको इडली का बलिदान देना पड़ेगा। सही है, बस अब रख दो, टेस्ट कर लेना तुमने। थोड़ी सी खाने दो। खा ले जी, खा लो।
थोड़ा सा बड़ा भी टेस्ट कर लूं। बड़ा बड़ा दिखा मैं खिलाऊं। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर ले। वाह वाह सही है, यम्मी है। बड़ा टेस्ट करके देखते हैं कैसा है यहाँ का बड़ा। यम्मी है वो ना जी भी। अच्छा पर इडली ज्यादा अच्छी। मग बेचारा उल्टा पड़ा हुआ है इस गम में, बाद में पियेंगे चाय। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा पिज्जा भी आ चुका है। डोसा ये पिज्जा लग रहा है मुझे। डोसा वो डोसा है पापा, वो डोसा है। डोसा ना, तो डोसा भी आ गया है। डोसा टेस्ट करके देखते हैं। ये मुझे पिज्जे की शेप में लग रहा था, मैं कह रही हूँ मेरा पिज्जा भी आ चुका है। कुकू को भी हंसी आ रही है। तो अब चेक करते हैं डोसा कैसा है यहाँ का। डोसा भी अच्छा है। देखो कुकू कितना प्यारा है ना, डोसा खाता है। कैसा लगा? यम्मी है। तो कुकू का मेरे को अच्छा लगा, तुम बताओ कैसा है? अच्छा, इतने पसीने कैसे आ रहे हैं? गर्मी लग रही है। खाना भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इट्स ओके। कैसा लगा यहाँ का डोसा और वो? सही लगा ना? ठीक था। यहाँ बाल भवन के सामने, बाल भवन है ना, बाल भवन के सामने मार्केट है यहाँ पे। और अब आ रही है हमारी चाय। वैसे तो चाय यहाँ भी मिलती है, लेकिन हमने घर की चाय में अलग ही स्वाद होता है। गरम गरम चाय पी लीजिए फ्रेंड्स। अभी भी धुएं उठ रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ ज़्यादातर लोग ऑफिस के ही आते हैं। यहाँ आस पास में ऑफिस वगैरह है, बाल भवन है। मामा मैंने बड़ियों की पहनी है। हाँ वेरी गुड, सही था यार। वेरी चीप प्राइस। बहुत चीप प्राइस था। 150 रुपए में एक प्लेट डोसा, एक प्लेट इडली वड़ा और एक सिंगल वड़ा। सही है, वरना 150 से ऊपर का तो डोसा ही आता है ना। अगर हम जंतर मंतर जाते हैं ना तो डोसा ही डोसा वहाँ पे 150 रुपए का। तो आज का मौसम 4 बजे भी ऐसा हो रहा है, 4-4:30 बजे भी, जैसे सुबह के 8-9 बज रहे हो, है ना यार? मुझे क्या लग रहा है सुबह से? तुम सुबह का नाश्ता कर रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं और घूम रहे हो। तो फाइनली हम आ गए हैं कमला नगर मार्केट। तो फ्रेंड्स कमला नगर की मार्केट में जिस दिन हम गए थे इतना रश था दिवाली की और फेस्टिवल की वजह से, क्योंकि सारे फेस्टिवल इसी मंथ में पड़ गए और पड़ते हैं हमेशा ही, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत क्राउड था। और ये वो शॉप है जहाँ से हम कुकू के कपड़े ज़्यादातर लेते ही लेते हैं, इस वाली शॉप से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कलेक्शन दिखाए थे कपड़ों के, लेकिन मुझे इस बार बताने की पसंद ही नहीं आए कपड़े इसके, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है कि दिवाली और भैया दोज के टाइम पे ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती और ना ही ज़्यादा गर्मी। तो मैंने नॉर्मल इनसे बोला था, तो बहुत ज़्यादा सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर ड्रेसेस दिखा रहे थे, और हल्के गर्म में बोला तो इनके पास गर्म में इतना अच्छा कलेक्शन नहीं था। फ्रेंड्स हम यहाँ पे अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे और इत्तेफाक से कुकू की बुआ मिल गई थी रास्ते में, और फूफा नन्नी सरवा रही है।
हाँ वीडियो देखेंगे ना, ये तो मेरी भाभी है, ये मेरी भाभी है, ये नंदी सरवारी है। चल तुम भी आ गए। और यहाँ नन्नी को देख के कुक्कू बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी उसके साथ जाने के लिए, क्योंकि नन्नी और कुक्कू तो बेस्ट फ्रेंड है। बोली कितनी चालू है, बाय तो कर ले, बाय कर दो कुक्कू से, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। चलो बाय 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 बाय। चुके हैं मार्केट में से निकल के वापस, और ये देखो बहुत ज़्यादा, और इनकी चाय अभी भी चल रही है, थोड़ी सी चाय बची थी, इनके सर में दर्द हो गया मार्केट में। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम बिना कुछ खरीदे कमला नगर से वापस आए, क्योंकि कुक्कू के कपड़े देख रहे थे और कुक्कू के कपड़े हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे, और इतने फेस्टिवल का सीज़न ही है तो अच्छे आने चाहिए, लेकिन अच्छे नहीं आ रहे बिल्कुल भी। कुछ दिखाया उन्होंने बहुत ज़्यादा शिमरी, बहुत ज़्यादा शाइनी कपड़े, तो वो तो पार्टी वेयर ही अच्छे लगते हैं, और हल्के गर्म में बोले तो हल्के गर्म में तो ऐसे दिखाए कि पूरी जैसे जनवरी की ठंड पड़ रही हो, तो इस वजह से हमें अच्छे नहीं लगे। और हाँ मार्केट में आते टाइम हमें दीदी और मेहमान मिले हमारे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी सी हुई, कहीं अनजान जगह पे कोई अपना मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। उनको देख के बहुत अच्छा लगा। और कुक्कू भी याद कर रही थी, आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि मतलब इससे पहले मैंने तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि कुक्कू याद कर रही थी नन्नी को भी, बुआ को भी, कि बुआ से मिलने जा रही हूँ, नन्नी से मिलने जा रही हूँ, बड़ी मम्मा से, मौसी से, तो उनसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में आज ही अपनी बुआ से भी मिल ली रास्ते में इत्तेफाक से। और ये रही कुक्कू, ये लड्डू है, लड्डू नहीं आया था ना कुक्कू, नन्नी से मिले हो ना आप, तो कुक्कू और नन्नी बेस्ट फ्रेंड है। तो अब हम जा रहे हैं बुआ के घर शानू रितो के पास, क्योंकि मैंने एक सूट लिया था तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है, तो वो चेंज करवाना है। फ्रेंड्स हम यहाँ पर रुक गए हैं, कहाँ कौन सी जगह है, तिमारपुर, और यहाँ पर ये इतने अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने के, तो मुझे देख के भूख लग गई, और यहाँ वैन वगैरह भी है, तो खाने की काफ़ी वैरायटी है, वेज में भी नॉन वेज में भी, तो यहाँ के चिकन कबाब काफ़ी अच्छे लगते हैं फिलहाल तो। ये कितने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं? रितु ने और मैंने खाए थे यार, मैं शुरू से यहाँ पर रही हूँ अपनी बुआ के यहाँ, मतलब आती जाती रही हूँ, तो मुझे पसंद, मुझे पता नहीं है कहाँ कौन सी चीज़ अच्छी मिलती है, यहाँ के तो ब्रेड और वो गोलगप्पे बहुत टेस्टी हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं बुआ के पास, और बुआ लगा रही है नाश्ता, और ये हमारे लिए नमकीन बिस्किट चाय वगैरह जो भी होती है, और बुआ के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, जैसे मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है और मेरे हाथ के सबको अच्छी लगती है। और एडी कैसा है तू? और यहाँ पर एडी आज थोड़ा शर्मा रहा था, पता नहीं क्यों क्यों यो कह रहा कैमरे में शर्म आती है, ये देखो व्लॉग स्टार्ट करने वाला बंदा कैमरे से शर्मा रहा है। और शानू की तबीयत खराब है इसलिए शानू लेटी हुई है पर सो नहीं रही, सुबह से नेस्ती फैला रही है, मक्कर मचा के पड़ी हुई है, सो नहीं रही है, मेरी रजाई ले गए अरे जी जा थके हुए बहुत ज्यादा, मार्केट में भाई की घबराहट हो गई पता है पब्लिक को देख के, मेरे ड्राइविंग टेस्ट के लिए वो आ गया, ड्राइविंग टेस्ट के लिए वो आ गया, टेस्ट देने के लिए टेस्ट अब कहां होता है, तो बना कर रख दिया, स्लॉट बुक करना हमने हमारे सर लड़के, फोटो में वो दूसरे वाले का पैसे लगते थे, मैं उनकी वजह से दूसरे लाई हूँ। ये कैसे करता है? इनके वो पता ही नहीं चलता,
बहुत अच्छी है, रूडो गरम भी नहीं लगे, चाय पी लो फ्रेंड्स, गरम गरम। मैं पूरी गाड़ी में आप लोगों को चाय पिलाती हुई आ रही हूँ, और यहाँ भी मैं चाय पिला रही हूँ। और यहाँ पे कुक्कू की नानी कुक्कू को झूला झुलवा रही थी, सामने झूला लगाया था, कुक्कू झूले कुक्कू को बैठा दिया था झूले। लग कैसे रही है पंदरिया से? तुमने कहाँ बैठा दिया? इसका तो पता नहीं, बोलते ओए चल अंदर। हेलो करो, हेलो करो, हेलो। पागल तू लोड कर। क्या कर रही है? बना दिया खाना? खाना बना दिया। तो मेहमान आए घर पे, उनसे भी काम करा रही है मम्मी। मेहमान देखो मेरे घर पे तो डेली देखते हो। बैन ने अभी हो रहा है बनाया, पर बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है। मैं सोचा था वहां भी जाऊंगी घर पे, पर निकल रही है वहाँ पर, टाइम हो गया। निकल रही है वहाँ पर, मैं सोचा दिखाऊं रिद्धि बहन कर क्या रही है। और इस लड़की की तबीयत खराब बहुत ज्यादा। कुक्कू का दूध है? कुक्कू का अच्छी बात है ना। अच्छा है ना। और देखो आधी नींद भी पूरी कर ली उन्होंने। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मार्केट घोड़े पे बैठ के खरीदिए, और हमारा घोड़ा चला रहा है। सूट चेंज करने जा रहे हैं। तो हम इस शॉप से लेकर गए थे, हमने ईशान ऋतु लेकर गई थी, अब चेंज करना है। गंदा लग रहा है। अच्छी है, मर चुकेगा नहीं साला। तो सोएगी नहीं? ना। है? खेला है। अच्छा खेलने का टाइम है ये? एक बज रहा है। खेला है? नो। खेल प्लीज प्लीज मामा प्लीज। प्लीज कुकु नहीं, निन्नी आ रही है। मामा प्लीज खेलेंगे। बाय 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 गाइस। वीडियो को ऐड करते, वीडियो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। गुड नाइट, आर यू फाइन? बाय बाय गाइस, शुभ रात्रि। थैंक यू। जल्दी की जा रहा।